जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। एक बार फिर आपके लिए ले आई हूँ साप्ताहिक भविष्य। इस सप्ताह की घटनाएं, इस सप्ताह में हम 21 तारीख से लेके 21 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक का साप्ताहिक भविष्य बता रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी है आज, यानी कि 21 तारीख को चंद्रोदय, चंद्र का उदय जो है वो 9:23 पर है। और कल महाराष्ट्र में सावन है, कल श्रावणी सोमवार है, शिवामूठ मूंग कहते हैं तो मूंग चढ़ाते हैं, कन्यायन है और शरद ऋतु प्रारंभ हो गया है। 24 तारीख को श्री कृष्ण जयंती उपवास है महाराष्ट्र में और कालाष्टमी है। 25 तारीख को गोपाल काला, श्री कृष्ण जयंती वैष्णव संप्रदाय के लोग 25 तारीख को मना रहे हैं, मतलब कुछ लोग मना रहे हैं 24 को और कुछ हिंदुस्तान में, भारत में मना रहे हैं उसको 25 तारीख को। शुक्र कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सेम दिन, मतलब के 25 तारीख को। तो ये थी सारी घटनाएं जो 21 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक होने वाली थी। अब आप सुनिए साप्ताहिक भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब स्थिति कंट्रोल में अभी तक नहीं आई है, मंगल शनि क्लोज आए हुए हैं तो आपको ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर से चिड़चिड़ नहीं करनी है। शुक्र सूर्य साथ में है तो थोड़ी बेचैनी है पैसे को लेकर और अपने स्पाउस से, तो इन चीजों से बचना है आपको। बुध गुरु साथ में होने की वजह से विरोधी आपके शांत रहेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शुक्र सूर्य आपके लग्न के स्वामी शुक्र जो हैं वो सूर्य के साथ थोड़े से अस्वस्थ हैं, अस्त हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा रहता है। आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की आराधना। विरोधी आपके सर उठा रहे हैं, हालांकि काम क्रोध मोह लोभ अहंकारी विरोधी होते हैं और आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो रही है। मैं आपसे कहूंगी महालक्ष्मी के पाठ करने के लिए, दिमाग एकदम शार्प और सात्विक चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई में अब कोई बाधाएं नहीं आएंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब जो है आपके लग्न का स्वामी उच्च का होके बैठ गया चतुर्थ में, आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, आपके घर में रेनोवेशन हो रही है और मातहत लोग आपका साथ दे रहे हैं, हालांकि खर्चे आपके अंधाधुंध हो रहे हैं क्योंकि शुक्र अभी अस्वस्थ है, वो जाके स्वस्थ होगा अभी एक से डेढ़ महीने के बाद। मंगल शनि युति ने आपको बहुत हैरान किया हुआ है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है आपके सिर पर। 18 सितंबर का इंतजार कीजिए और उससे पहले हनुमान जी की आराधना कीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब जो है मंगल शनि युति बनी हुई है दिमाग पर, लेकिन काम बनने शुरू हो गए आपके। खुशी है मुझे गुरु के आने के बाद आपके काम बन रहे हैं, गुरु आपके भाग्य को देखता है और भाग्य उजागर हो रहा है, छोटे ही क्यों ना हो आपके काम बन रहे हैं। और बुध कन्या राशि में आने से आपके सिबलिंग्स के भी काम बनेंगे, उनका भी अच्छा होगा। साथ में आपके जो लग्न का स्वामी है चंद्रमा, उसका भ्रमण शुभ रहेगा इस वीक में तो आप खुश रहेंगे। इसके बाद आती है सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है लग्न में आया हुआ है और आप बहुत मेधावी और उच्च स्तरीय काम करने की सोच रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। लग्न में शुक्र होने की वजह से थोड़ी सी बुद्धि में कुटिलता ना आए इसका ध्यान रखिए, काम के प्रति, लोगों के प्रति, और सबसे प्रेम प्यार से मिलके रहिए। प्रवास में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। 24 तारीख को जब शुक्र बदल के कन्या में आ जाएगा तो ये स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आपके पार्टनर से जो आपको सहयोग नहीं मिल रहा है जीवन साथी से, उसके लिए आप कर सकते हैं गायत्री की आराधना। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न में जब बुध आते हैं आप बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत प्यारे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है और आपके जो सूर्य राहु शुक्र बने हुए हैं द्वादश में, उसकी वजह से आपके बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं। आपके जो फॉरेन से रिलेटेड ट्रिप हैं उनमें आपको फायदा होने जा रहा है, हालांकि इंडोर ट्रिप जो इंडिया विद इन इंडिया के ट्रिप हैं उनको अभी स्थगित करके रखिए। फिर आती है तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र अस्वस्थ है, हीरा पहनना या महालक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए उचित, शुक्रवार को स्त्रियों की सेवा भी कर सकते हैं आप। और बुध गुरु जो द्वादश में बने हुए हैं उनकी वजह से आपका भाग्य जो है वो उज्ज्वल होके आपको फॉरेन ले जाएगा, वहां पर कोई आपको बड़ा काम मिल सकता है। आप अगर चाहें तो अपनी माता की सलाह ले सकते हैं इस विषय में, आपके परिवार में वैसे असंतोष है और उसको दूर करने के लिए आपको करनी चाहिए हनुमान जी की या गणेश जी की पूजा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अभी स्थिति बदली नहीं है, अभी आपका मुंह उतरा हुआ है मंगल शनि की युति की वजह से, आपके लग्न का स्वामी मंगल अस्वस्थ है, आपको कड़क पूजा हनुमान जी की करके हनुमान चालीसा या सुंदर कांड या बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए आपको रोज। और पैसा खुल गया आपका, पैसे
आपके रुके हुए आ रहे हैं उसके लिए परेशान मत होइए आप। सूर्य अपना काम करके जाएंगे जो दशम में बैठे हुए हैं और आपका काम जो रुका हुआ था वो हो जाएगा। धनुराशि, धनुराशि के लोगों के लिए अच्छी खबर है, उनके काम बन रहे हैं। और आपको मजेदार बात बताऊं कि सूर्य भी भाग्य में आके उनका मन बढ़ाते हैं, उनकी चहू और बहुत तारीफ हो रही है, बड़े लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको कोई बड़ा अवसर मिलेगा, लोग बुला रहे हैं उनको काम के लिए और प्रशंसा हो रही है उनकी। बस शुक्र के निकलने की देर है आपके भाग्य से और आपका काम बन जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि गुरु की संपूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ पर और आपके, मैंने पहले भी बताया है कि आपके विरोधियों पर भी पड़ रही है, तो विरोधी भी शांत हैं अब आपके। मकर राशि, मकर राशि के लग्न का स्वामी अब अस्वस्थ बना हुआ है मंगल के साथ, तो आपको करनी है महाकाली की पूजा नियमित रूप से। और दूसरी बात के आपके भाग्य में जो बुध बने हुए हैं वो भाग्य में बुध की वजह से आपको अवसर प्राप्त होंगे काम करने के, आप एंजॉय कीजिए अपने काम को इन दिनों। हालांकि आपकी तबीयत नासाज है मैं समझ सकती हूँ, आप कर सकते हैं ओम एंग्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे का जाप। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अस्वस्थ मंगल के साथ में, कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो आपके पिता को और आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी तो आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा होने जा रहा है, पेट से रिलेटेड परेशानियों का आपको कोई ना कोई इलाज जरूर मिल जाएगा। आपका माइंड सही सोच रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपकी हेल्थ खराब ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके सप्तम स्थान में जो सूर्य बना हुआ है उसकी जैसे आपकी पत्नी या आपके स्पाउस जो आपको सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह मानिए, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए सन्मुख गुरु आपके लिए अच्छे समाचार लेके आए हैं और उसकी शुभ दृष्टि आपके पैसे पे, तो पैसे भी खुले हैं, प्रवास भी खुला है। एक बात याद रखिए कि आपके कन्या के बुध आने से आपकी पत्नी या स्पाउस से भी आपकी अच्छी पट रही है। विरोधी आपके शांत हैं और जो आपने ठानी हुई है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका अगर कोई होंगे उनके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो उनका ध्यान रखिए आप, क्योंकि अगर आपको उनके साथ लंबा चलना है, आगे रिश्ते बनाने हैं, तो ये समझ के चलना है कि उनकी मन को दुखी करना आपके लिए सुखकर नहीं रहेगा। अब आपके कोई घर वर लेने के अगर कोई चांसेस हैं तो आगे बढ़िए, आपको लेना है घर वर तो आप उसके लिए कोशिश कीजिए, आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। ये था साप्ताहिक भविष्य मेष से लेके मीन राशि तक का, और इसी तरह साप्ताहिक भविष्य बताती रहूंगी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए और साथ में कहते हैं ना वृद्धों की सेवा कीजिए, हमेशा कहती हूँ आपको, यही लोग हैं, यही बुजुर्ग हैं जो आपको बचपन में बहुत प्यार दिया करते थे और जब आपको जरूरत थी, जब आपके हाथ पैर नहीं चलते थे तब ये आपके साथ बड़ी खुशी खुशी थे, आपके लाड़ हो रहे थे। अब इनके हाथ पैर नहीं चलते तो आपको इनका लाड़ करना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आना है, आपके शनि की स्थिति खराब हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, पौधे लगाने हैं, उससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा। मिलूंगी फिर एक बार साप्ताहिक भविष्य लेकर आपके साथ, तब तक ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार, धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, टेक केयर।